रमजान के महीने की शुरुआत हो चुकी है, रोजे शुरू हो गए हैं। रमजान के दौरान मुस्लिम लोग रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। वहीं रमजान के महीने के खत्म होने के बाद पूरे देश में ईद के त्योहार का जश्न मनाया जाता है, लेकिन इस बार रमजान की शुरुआत में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ऐसी घटना हुई कि सब हैरान है। दरअसल हैदराबाद में मुफ्ती हलीम खाने की चाह में बड़ी संख्या में लोग बेकाबू हो गए। मुफ्ती हलीम खाने ऐसी भीड़ टूट पड़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल 12 मार्च को मुस्लिम लोगों का पहला रोजा था। शाम में जब रोजा खुला तो रमजान के पहले दिन हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट में संचालक ने मुफ्ती हलीम देने का फैसला किया, लेकिन मुफ्त हलीम देने का फैसला उस पर इतना भारी पड़ गया कि भारी भीड़ से निपटने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। सुरक्षा बलों ने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी अनियंत्रित हो गई कि मामला लाठीचार्ज तक पहुंच गया। दरअसल ये घटना हैदराबाद के मलकपेट से सामने आई है। आपको बता दें कि हलीम एक बेहद स्वादिष्ट स्टू है। इसे दाल, गेहूं, मसालों और मांस को मिलाकर तैयार किया जाता है, और इसी मुफ्ती हलीम की चाह में भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि सुरक्षा बलों को बल का प्रयोग करना पड़ा। ये घटना इतनी बढ़ गई कि लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ। इस घटना के कई वीडियोस भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि इस अशांत भीड़ को नियंत्रण में लाना कितना मुश्किल हो रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेस्टोरेंट प्रबंधन ने रमजान के पहले ही दिन जनता को मुफ्ती हलीम देने का फैसला किया था, लेकिन उनका लिया हुआ फैसला उन पर ही भारी पड़ गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। बता दें कि इस रेस्टोरेंट का नाम आजेवो बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार ये घटना आधी रात लगभग 2 बजे की है। वहीं इस मामले में मलकपेट के इंस्पेक्टर यू श्रीनिवासन का कहना है कि यातायात बाधित करने के लिए रेस्टोरेंट प्रबंधन या कहें कि रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि इस मुफ्त ऑफर के बारे में पुलिस को पहले सूचना नहीं दी गई थी। बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना देखते हुए रेस्टोरेंट संचालक ने अनुमति भी नहीं ली, इसीलिए जनजीवन को प्रभावित करने के आरोप में मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो अभी केवल रमजान के महीने की शुरुआत हुई है, और पहले ही दिन इस तरह की घटना कई सवाल पैदा करती है, जिसमें सबसे अहम सवाल सुरक्षा का है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।